Hey, what's up, this is Rupesh, और आज की वीडियो में हम करने वाले Realme X की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। इस वीडियो में मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग और आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसके कारण आपको Realme X लेना चाहिए और ये मोबाइल क्यों मेरे हिसाब से बेस्ट मोबाइल है 20,000 के अंडर और आपको ये मोबाइल क्यों लेना चाहिए। तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में आगे, तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं और क्या ओपिनियन है इसके लिए मेरे। तो ये मोबाइल मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। ये मोबाइल की ओरिजिनल प्राइस है 17,000 और आप भी इस मोबाइल को अच्छे से ऑफ़र वगैरह में ले सकते हैं जिसमें आपको 500 तक का ऑफ वगैरह देखने को मिल सकता है। तो बॉक्स की क्वालिटी की बात कर लूँ, सबसे पहले बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलती है। इसके दो कलर के वेरियंट आते हैं, एक ग्रेडियंट वाला ब्लू वाला एंड एक वाइट कलर वाला पोलर वाइट कलर। तो मेरे पास है ब्लू वाला और बॉक्स में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है मोबाइल। मोबाइल को रख देते साइड में और इसमें टाइप सी का यूएसबी केबल आपको देखने को मिलता है और साथ ही साथ यूएसबी 3.0 का वॉक चार्जर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है और साथ ही साथ कुछ यूजर मैनुअल्स आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए आपको एक टीपीयू केस भी देखने को मिल जाता है। ये केस की बात करूँ तो काफ़ी हार्ड केस है, केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, केस बहुत हार्ड है, मोबाइल को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, सा हाथ से मोड़ने पर नहीं मोड़ रहा था। मोबाइल का केस सेमी ट्रांसपेरेंट है एंड थोड़ा ब्लैक साइड आपको देखने को मिलता है, इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट ही आपको देखने को नहीं मिलता, तो इससे आपके मोबाइल का कलर थोड़ा छुप सकता है। तो अब सीधे बात करते हैं मोबाइल की। तो हटाते हैं इसका कवर और सारे स्टिकर्स वगैरह निकाल देते हैं और बात करते हैं सीधे मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी की। जहाँ तक मोबाइल के पीछे का लुक है, काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। नीचे की साइड आपको रियलमी का लोगो और ऊपर की साइड आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, उसमें गोल्डन टच भी देखने को मिलता है आपको इसके कैमरे में। और में सामने की तरफ आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड ऑल डिस्प्ले देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको शाइनी फिनिश देखने को मिलती है एंड इसमें नीचे रियलमी का लोगो और ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप। और में राइट हैंड साइड पे आपको पावर बटन देखने को मिलता है गोल्डन फिनिश के साथ में, उसके ऊपर सिम कार्ड ट्रे, ड्यूल सिम कार्ड ट्रे है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है इसमें। ऊपर की तरफ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा और साइड में नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स और नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5mm जैक। पीछे की तरफ आपको रियलमी का लोगो और ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ यहाँ पे LED फ्लैश देखने को मिलता है, 40+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है पीछे। मोबाइल में आपको कलर ओएस देखने को मिलता है सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 9 के साथ और इसमें आपको बहुत सारे ब्लॉडवर्स एप्स देखने को मिलते हैं जैसे कि डेली हंट, यूसी ब्राउजर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें भरे हुए हैं। बट कोई बात नहीं, अगर मोबाइल कुछ इस तरह का हार्डवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा हो साथ में कुछ ब्लॉडवेयर दे रहा है तो ये ओके है। एंड इससे भी अच्छी बात यह है कि इन ब्लॉडवेयर्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये एक तरह से अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इन डिस्प्ले वाला काफ़ी फास्ट है और पॉपअप सेल्फी कैमरा भी काफ़ी फास्ट है। वन प्लस के कंपेरिजन में पॉपअप सेल्फी कैमरा हल्का सा मुझे स्लो देखने को मिला। इस प्राइस रेंज में किसी भी मोबाइल के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना है काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है यूज़र के लिए। अब हम बात करते हैं इसके कैमरे की। कैमरे के सैंपल्स मैं आपको वीडियो के आखिरी में या फिर बीच में कहीं पे आगे दे दूंगा, तो वीडियो को आप आगे देखना, सैंपल्स के लिए आपको सैंपल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो कैमरे की बात करें तो इसमें आपको सारे मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल फोटो मोड, वीडियो मोड, पोर्ट्रेट मोड, उसमें HDR वगैरह को भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। कैमरे में सब बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, फिल्टर्स वगैरह की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, हर तरह के ब्यूटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। 14 मेगापिक्सल का अगर शॉर्ट लेन है तो उसको अलग से आपको इनेबल करके शॉर्ट लेना पड़ता है। वीडियो मोड में आपको 4K तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और जो फ्रंट पॉपअप कैमरा है वो भी काफ़ी फास्ट है एंड इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरे के जो शॉट्स देखने को मिलता है काफ़ी अच्छे और काफ़ी एक्यूरेट, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और ब्यूटी मोड वगैरह सारी चीज़ें इसमें पूरी तरह से भर भर के दिया गया है, सारे तरह के ब्यूटी वगैरह देखने को मिल जाते हैं। टिकटॉक वगैरह वालों के लिए एक परफेक्ट मोबाइल है और साथ ही साथ इसमें आप 960fps तक आप स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। अब हम बात कर लेते हैं गेमिंग की। मैंने इसमें पबजी ट्राई किया HD और HDR दोनों ग्राफिक्स के साथ, हाई और अल्ट्रा दोनों फ्रेम रेट के साथ, मुझे कोई ऐसा लैग वगैरह, फ्रेम ड्रॉप कुछ भी देखने को नहीं मिला, एकदम परफेक्टली मैं गेम खेल पा रहा था, कोई कुछ भी लैग्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिले। परफॉर्मेंस मुझे गेमिंग में इस मोबाइल की काफ़ी अच्छी देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स की। कैमरे की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली, इन सभी फ़ोटोज़ को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ पे जाके आप उन्हें डाउनलोड करके भी देख सकते हो। डिटेलिंग वगैरह बढ़िया थी, कभी कभी एज डिटेक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली पोर्ट्रेट शॉट में, बट अगेन कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी। 48 मेगापिक्सल में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग मुझे देखने को मिली।
एंड ये कैमरा सैंपल्स आपके लिए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि मेरे क्या ओपिनियंस इस डिवाइस के लिए। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई सा मोबाइल 20,000 के रेंज में, तो ये मोबाइल मेरे लिए सबसे बेस्ट मोबाइल रहेगा आपके लिए। अगर आपको करनी है कोई सी थोड़ी बहुत गेमिंग लाइक पबजी, तो उसके लिए आपको ये मोबाइल जरूर लेना चाहिए। इसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, साथ ही साथ इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी AMOLED OLED डिस्प्ले। दूसरे किसी मोबाइल में भी शायद आपको स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर देखने को मिल जाए, बट साथ ही साथ OLED डिस्प्ले, वो भी फुल स्क्रीन डिस्प्ले वाला विदाउट एनी नॉच और एनी पंच होल कैमरा, आपको ये इकलौता ऐसा मोबाइल देखने को मिलता है जिसमें वो पूरी स्क्रीन देखने को मिलती है, और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 710 का फ्लैगशिप टाइप का प्रोसेसर, साथ ही साथ इसमें एडियनो 616 का GPU भी देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है अपने मोबाइल के लिए एंड डेफिनेटली गेमिंग के लिए भी। और बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको बैटरी देखने को मिलती है 3765 mAh। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको बैटरी बैकअप जरूर अच्छा चाहिए रहता है, जो कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और इन सबको हटा के इस बार बात की जाए तो रियलमी ने इस बार हेडफोन जैक भी रखा है, और साथ ही साथ टाइप सी भी इस बार फाइनली आपको दे दिया है। तो इन सभी चीज़ों का कॉम्बो अगर किसी मोबाइल में आपको देखना है अंडर 20,000, तो ये मोबाइल मेरे हिसाब से परफेक्ट है। जिसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट कैमरा वो भी पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस परफेक्ट रहेगा 20,000 के रेंज में। मुझे बस इस डिवाइस में एक चीज़ थोड़ी बेकार लगी कि इसमें प्री इंस्टॉल कुछ ऐप्स ब्लॉडवेयर्स कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट ओके है अगर कोई कंपनी आपको इतने सारे फीचर्स दे रही है इस प्राइस रेंज पे लाके, तो थोड़े ब्रॉडवेयर्स आते हैं तो वो ओके है। एंड गुड थिंग इज दैट कि आप उन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, मेरी तरफ से ये थे ओपिनियंस मेरे, अब आपके ऊपर है। अगर आप लेना चाहते हो तो 20,000 में ये डिवाइस मेरे हिसाब से तो बेस्ट डिवाइस है, गो फॉर इट। एंड that's it for this video. I hope you like it guys. Don't forget to do subscribe and also hit the bell icon to get notifications on all of future videos. And if you want to watch more videos like this, then hit the subscribe button and also hit the notification bell to get notifications on all of future videos. This is the best. Sign out. Meet you soon in next video.